नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आ गया हूँ पार्ट टू वीडियो लेके, स्पाइरल डिज़ाइन पार्ट टू। पार्ट वन में हमने सीख लिया इस टाइप का स्पाइरल कैसे बनाया जाता है, हम पार्ट टू में आज ये सीखेंगे इस टाइप का डिज़ाइन हम कैसे बना सकते हैं। पार्ट वन आई होप आपको अच्छा लगा हो, इसलिए मैं पार्ट टू लेके आया हूँ आपके सामने। तो पार्ट टू स्टार्ट करते हैं, चलिए एक नया पेज ले लेते हैं। नया पेज ले लिया हमने, वही सर्कल लेंगे। यहाँ पे सर्कल का ऑप्शन आता है, कंट्रोल दबाएंगे, माउस का लेफ्ट की प्रेस करेंगे। यहाँ पे हम रूलर गाइडलाइन का ऑप्शन आता है, वो सेंटर में रखेंगे दोनों, जैसे मैंने पार्ट वन में बताया आपको, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, वही हेयर लाइन बढ़ाएंगे, हम कर लेते हैं 1.5, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, वही इसको सेलेक्ट किया, एडिट में गए, कॉपी कर लिया हमने, एडिट में गए, पेस्ट कर लिया। इसको हम साइड में रखेंगे, वही जैसे हमने पहले किया था, पहले वीडियो में किया था। इसको हमने जो सर्कल हमने बाहर कॉपी किया उसको डबल क्लिक किया, ऐसे ऐसे ऑप्शन बन गया है। और इसका नोड हमने कहा था कहीं भी रख सकते हैं, हम रख दिया हमने ये सब। ये रखने के बाद हम क्या करेंगे, वही इसको हमने मोड़ा, माउस का लेफ्ट की प्रेस किया और जहाँ हमें पेस्ट करना है वहाँ राइट की प्रेस कर दिया, ठीक है। नहीं समझ में आया दोबारा बता देते हैं, जो हमने सर्कल कॉपी करके बाहर रखा उस पर हमने डबल क्लिक किया, ऐसे एक नोड बन के आया, ऐसे मोड़ने वाला ऑप्शन आया, तो हमने ये नोड अपने हिसाब से कहीं भी रख लिया। उसके बाद माउस का लेफ्ट की प्रेस किया और जहां हमें कॉपी पेस्ट करना है वहां जाके हमने राइट, माउस का राइट की प्रेस कर दिया। उसके बाद कंट्रोल आर, ठीक है दोस्तों, कंट्रोल आर आपको जहाँ तक अच्छा लगे आप कंट्रोल आर दबा सकते हैं। हमने यहाँ तक कर लिया, उसके बाद क्या करेंगे, पूरे को सेलेक्ट करेंगे। हमने लास्ट वीडियो में क्या किया था, ऑब्जेक्ट में की जाके ग्रुप कर दिया था हम, इस बार हम क्या करेंगे, पूरे को सेलेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट में जाएंगे और देखिए ये रहा कम्बाइंड, कंट्रोल एल इसका शॉर्ट फॉर्म है, इसको करेंगे हम कम्बाइंड, ठीक है। हमने लास्ट वीडियो में इसको हमने राइट की प्रेस किया था, राइट की प्रेस नहीं करेंगे हम, अब हम करेंगे लेफ्ट की प्रेस। देखिए हम लास्ट वीडियो में हमने राइट की प्रेस किया था कलर के लिए, इस वाले वीडियो में हम क्या करेंगे, अपने माउस का लेफ्ट की प्रेस करेंगे, ठीक है। ऐसा आ गया, देखिए ये आउटलाइन आ रही है, आउटलाइन हटानी है, हमें क्या करना है, ऊपर जो यहाँ पे नोड आ रहा है वहाँ में जाके राइट के लिए प्रेस करना है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है हमारा। चलिए एक और बता देता हूँ इसी में, यदि आपको समझ में नहीं आया होगा तो, वही सर्कल लिया हमने, ठीक है। इसको हमने एडिट में गए, कॉपी किया, एडिट में गए, पेस्ट कर दिया, ठीक है। इसको साइड में रख लिया, इसका हेयर लाइन बढ़ा देते हैं, दो कर देते हैं, वही इस पर डबल क्लिक किया, ये नोड हमने नीचे रख दिया इस बार, माउस का लेफ्ट की प्रेस किया, जहाँ हमें कॉपी करके पेस्ट करना है वहाँ जाके माउस का राइट की प्रेस कर दिया, कंट्रोल आर, ठीक है। ये हो गया, उसके बाद पूरे को सेलेक्ट किया, कंट्रोल एल, कंट्रोल जी से ग्रुप होता है, कंट्रोल एल से कंबाइंड होता है, कंट्रोल एल कर दिया हमने, ठीक है। उसके बाद माउस का लेफ्ट की प्रेस करेंगे हम कलर फिल करने के लिए, माउस का लेफ्ट की प्रेस किया और जो देखिए ये बाउंड्री आ रही है, बाउंड्री अब चाहते हैं इसको भी हम कलर कर दें, तो माउस का राइट की प्रेस करेंगे उसी कलर को। देखिए देखिए दोस्तों कैसा लग रहा है, हमने पार्ट वन स्पाइरल डिज़ाइन सीख लिया है और पार्ट टू भी सीख लिया है। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साइड में बेल आइकन है वो दबा दीजिए, जिससे आपको वीडियो की सारी नोटिफिकेशन पहले से ही मिल जाए। यदि आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।